भारत में फूटेंगे फटाके और पाकिस्तान में टीवी। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, क्या होगा जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगा। दिवाली के अगले दिन भारतीय क्रिकेट फैंस को फिर से फटाके फोड़ने का मौका मिल सकता है, तो दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान के घर में टीवी फूटते हुए दिख सकते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान की टीमें हांगकांग सिक्सर्स में 1 नवंबर को आमने सामने होंगी। इस मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2018 के बाद यह टूर्नामेंट फिर से शुरू होने जा रहा है और मांगकॉक के मिशन रोड ग्राउंड पर इसके सभी मुकाबले खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के एक मैच में 5 ओवर का मुकाबला होता है और 5 विकेट गिरते ही पूरी टीम आउट हो जाती है। फील्डिंग के दौरान मैदान पर 6 फील्डर होते हैं, एक टीम में सिर्फ 6 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, इसीलिए इस टूर्नामेंट का नाम हांगकांग सिक्सर्स पड़ा। फाइनल में यह रोमांच और बढ़ जाता है जब एक ओवर में 8 गेंद डाली जाती है। अगर कोई बल्लेबाज लगातार 6 छक्के मार देता है तो उसे रिटायर होना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट के नियम ही इसे रोमांचक बनाते हैं। सबसे ज्यादा बार साउथ अफ्रीका खिताब जीतने वाली टीम रही है। भारतीय टीम इस बार अपने अभियान का आगाज पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है। यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सुबह 11:30 से लाइव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फैन कोड के ऐप और वेबसाइट पर भी इस मैच को लाइव स्ट्रीम किया जा सकेगा। हांगकांग सिक्सर्स के लिए भारत की टीम रवीन उथप्पा कप्तान, केदार जाधव, भरत चिपली, शहबाज नदीम, मनोज तिवारी, शटवट बिन्नी और शेवत्स गोस्वामी रहेंगे।